अब ऐसा है ना, 100 दिन का कार्यकाल, भाजपा सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, जनता को जब जनता थपथपाए ना उनकी पीठ, तब तो है कि उन्होंने काम किया है, असफल है। 100 दिन में उन्होंने क्या ऐसा योजना, कार्य योजना तैयार की है, कोई उन्होंने एजेंडा फिक्स किया हो, कोई उन्होंने धरातल पर कोई विकास योजनाओं को लागू किया हो। आज भी 100 दिन में उनका जो उन्होंने आयोजन हो रहे हैं, जो जश्न मनाया जा रहा है, वो एजेंडा अलग है, वो अलग बात कर रहे हैं, जो उनकी परिधि में आता ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम कमेटी का गठन करेंगे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बात करें महंगाई की, बात करें बेरोजगारी की, बात करें किसानों की आय को दुगना करने की, बात करें रिवर्स प्लान की, बात करें गैरसैंण के लिए जो 25,000 करोड़ की घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, उस पर बात करें। नौजवान आज भटक रहा है, ऐसे काला कानून लाकर, अग्निपथ जैसे कार्य, अग्निपथ योजना को लाकर काला कानून थोपना चाहते हैं नौजवानों पर, उसको वापस लें। 100 दिन का कार्यकाल निराशाजनक और दृष्टिहीन, जनता को बरगलाने की फिर कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ज्ञान लगा रहे हैं उसका जनता पार्टी, वो स्वर्णिम दिन भी मुझे याद है, वो श्रद्धेय नारायण कुमार जी की कर्मों को भी रही है। स्वर्गीय सत्यचंद बुढ़िया जी, मेरे आदरणीय, मेरे हृदय पूज्य, कहना चाहिए स्वीकार करना चाहिए, श्रद्धेय नारायण तिवारी जी और स्वर्गीय सत्यचंद बुढ़िया जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस वाले को मिला। और एक कार्यकर्ता को मैं इसलिए इस बात का उद्धृत करने जा रहा हूँ कि कार्यकर्ता को उन्होंने मिट्टी से, जमीन से उठाया, आगे बढ़ाने का काम किया और इस पर आए के मेहनत में कभी कमी नहीं, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की है। मैं अपने नौजवान साथियों से इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत कठिन समय है, चुनौतियों का समय है और आपको उन चुनौतियों का सामना करना है, हम सब ने मिलकर चुनौतियों का सामना करना है, इस देश को बचाना है। देश है तो हम हैं, पहले देश है फिर हम हैं, और कांग्रेस की विचारधारा भी यही है, कांग्रेस के मूल्य भी है, कांग्रेस के सिद्धांत जिसके हम अक्सर बात करते हैं। देश की आज़ादी का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब ऐसा है ना, 100 दिन का कार्यकाल, भाजपा सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, जनता को जब जनता थपथपाए ना उनकी पीठ, तब तो है कि उन्होंने काम किया है,
असफल है। 100 दिन में उन्होंने कैसा योजना, कार्य योजना तैयार की है, कोई उन्होंने एजेंडा फिक्स किया हो, कोई उन्होंने धरातल पर कोई विकास योजनाओं को लागू किया हो। आज भी 100 दिन में उनका जो उन्होंने आयोजन हो रहे हैं, जो जश्न मनाया जा रहा है, वो एजेंडा अलग है, वो अलग बात कर रहे हैं जो उनकी परिधि में आता ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम कमेटी का गठन करेंगे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बात करें महंगाई की, बात करें बेरोजगारी की, बात करें किसानों की आय को दुगना करने की, बात करें रिवर्स प्लान की, बात करें गैरसैंण के लिए जो 25,000 करोड़ की घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, उस पर बात करें। नौजवान आज भटक रहा है, ऐसे काला कानून लाकर, अग्निपथ जैसे कार्य, अग्निपथ योजना को लाकर काला कानून थोपना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।